हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट लाया हूँ। मुझे लगता है कि काफी जितने भी मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, वेबसाइट्स पे आ रहे हैं, और जो जो मेरे जो यूट्यूब चैनल उसके कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चंस मैंने फिर से लिखे हुए हैं और फिर से आ गया हूँ कुछ Q&A सेशन दोबारा से लेके। तो दोस्तों एक चीज पक्का ही ध्यान रखना कि मैं क्वेश्चन जितने भी हैं मैं सारे के सारे एक तरीके से मैं क्योंकि रैंडम उठा रहा हूँ क्वेश्चंस, तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। कहीं VFS आ जाता है, कहीं स्किल्ड वर्कर वीजा आता है, कहीं UK ट्रिप आता है, कहीं VRP आता है, तो आप इसको एडजस्ट करें। और मैं अपने जितने भी क्या कहते हैं आजकल जो भी मेरे YouTube वीडियो बने उसमें मैं चैप्टर्स डाल रहा हूँ, तो आप उसको कैप्शन पढ़ के जो आपके रिलेटिव है उस पर क्लिक करें और आप उसी पर्टिकुलर चीज पर पहुंच जाएंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है ताकि आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े और उस तरह से आप अपने पार्ट को आप कवर कर लें। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले वही अपना सेम डिस्क्लेमर कि जो भी मैं आपको बताता हूँ इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। किसी भी चीज में आगे बढ़ने से पहले अपने वीजा कंसल्टेंट, ट्रस्ट रिसोर्सेज और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पक्का चेक करें, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट जो काफी बार मेरे से पूछा जाता है, यहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्रिमिनल आपके वीजा में कब क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट आपको जैसे हर जॉब के लिए, मैक्सिमम जॉब्स के लिए आपको नहीं चाहिए होता है, बट द थिंग इज कुछ जॉब्स हैं ऐसी जहां पे आपको चाहिए होता है। जैसे आप एजुकेशन के लिए किसी एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, जैसे आप टीचर बनने के लिए आ रहे हैं, एजुकेशन एडवाइजर बनने आ रहे हैं, स्कूल इंस्पेक्टर्स बनने आ रहे हैं, चाइल्ड माइंडर्स या टीचिंग असिस्टेंट्स, ऐसी किसी जॉब पे आ रहे हैं तब चाहिए होता है। और जैसे आपका हेल्थ केयर के लिए है, जैसे आप डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, नर्स हैं और ऑप्टिशियंस हैं, तो डॉक्टर प्रोफाइल के लिए, नर्स प्रोफाइल के लिए आपको चाहिए होता है। जैसे और कोई आप थेरेपिस्ट हैं, ओके, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं और काउंसलर्स हैं, तब चाहिए होता है। और एक हो गया सोशल सर्विसेज, हो गया जहाँ पे आपका सोशल वर्कर्स है, मैनेजर्स हैं, प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, वेलफेयर और हाउसिंग ऑफिसर्स जो होते हैं उनके लिए आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जरूरी होता है, जो कि जरूरी भी है क्योंकि आप समझो कि जो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन होते हैं, टीचिंग किसी को पढ़ाना है और आपको डॉक्टर्स में मतलब हॉस्पिटल्स में नर्सेज का जो काम है, डॉक्टर्स का जो काम है, दैट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क, तो उसके लिए आपको हमेशा हमेशा ही आपको एक चाहिए होता है कि एक जो कोई ऐसा बंदा जिसका जो कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, तो इसीलिए आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार वो लोग PCC भी बोलते हैं, PCC इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो ये दोस्तों तब चाहिए होता है जैसे आपकी होम कंट्री है इंडिया और आप UK के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो UK को छोड़ के अगर आप 5-10 ईयर्स में किसी भी देश में 12 महीने रहे हो, एक साथ या टुकड़ों में बट 12 महीने रहे हो, तो आपको उस कंट्री का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो लोग मांगते हैं। तो PCC का छोटा सा रोल है और तो और उसमें आपको जो जिस भी कंट्री में आप रहे हो वहां पे आपको चाहिए होता है। ओके, तो दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल मेरे एक फॉलोअर ने पूछा है कि मैंने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस से और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 4 साल से हूँ, तो क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है UK में ये जॉब को गेट कर पाना, वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा UK में मिल पाना बहुत डिफिकल्ट है। दोस्तों मैं आपको अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे एम्प्लॉयर ने ना मुझसे कभी पूछा आप तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, तुम्हारे पास्ट कितनी कंपनीज में काम किया है, क्या तुम्हारा रोल है, सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन स्किल्स। तो ये पक्का आप ध्यान रखें कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको एम्प्लॉयर का इंटरव्यू क्रैक करना है, जो कि आपको हु इज़ विलिंग टू स्पॉन्सर यू, वो अगर आपको स्पॉन्सर करने को रेडी है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनके साथ इंटरव्यू जो भी इंटरव्यू के प्रोसेस होते हैं उसको फॉलो करना है, इंटरव्यू क्रैक करना है। वंस यू क्रैक द इंटरव्यू तो उसके बाद कोई भी आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला है, आप सीधे UK आओगे। ओके, तो इसमें आपको कोई होने की जरूरत नहीं है। और एज फार एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कंसर्न, दिस इज द हाईएस्ट डिमांडिंग जॉब, प्लस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, वीजा फीस भी कम है, IHS फीस भी कम है, तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मिलते हैं। तो पक्का आप इंटरव्यू क्रैक करें, ए रेटेड स्पॉन्सर पक्का ध्यान रखें, जो आपको वीजा COS देने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देने के लिए रेडी हो, और उसके बाद आप इंटरव्यू क्रैक करें, COS मिलेगा, अप्लाई करें, कोई कुछ नहीं डिग्री आपसे पूछने वाला है, कोई भी नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो दोस्तों मेरे पास एक बड़ा अच्छा सवाल लोगों ने मुझसे पूछा, एक हमारे जो व्यूअर है उन्होंने ये पूछा है कि जब मैं एक बार UK आ गया हूं तो क्या मैं
वापस अपनी कंट्री में जा सकता हूं और क्या मेरे डिपेंडेंट्स मेरे साथ या मेरे बिना वापस अपनी कंट्री में जा सकते हैं और कितनी बार जा सकते हैं, क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको क्लियरिटी यहां पे दे देता हूं कि आप जब यूके आते हो ओके, तो आपके पासपोर्ट में वीनेट स्टिकर होता है, उस वीनेट स्टिकर की एक वैलिडिटी होती है, 2 से 3 महीने की वैलिडिटी होती है। उसके बाद आप जब यूके आते हो तो सबसे पहला काम करते हो अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट करते हो। तो बीआरपी कार्ड ही आपका एक नेशनल आईडी प्रूफ है जिसके बेस पे आप वो ये बताता है कि आप कब तक लीगली यूके के अंदर किस डेट से किस डेट तक रह सकते हो, कितने साल आप रह सकते हो। तो उसमें फ्रॉम डेट टू डेट पक्का लिखी होती है। उस फ्रॉम टू डेट के बीच में आपको जितनी बार इंडिया जाना है आप जाओ, अपने देश जाना है जाओ, जितनी बार भी आपको वो केवल बीआरपी कार्ड दिखाना है हर जगह एयरपोर्ट्स पे, एंड दैट्स इनफ, उतने से ही आपका काम बन जाएगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको जितनी बार जाना है, खुद को जाना है, आपके डिपेंडेंट्स के पास भी उनका खुद का बीआरपी कार्ड है तो वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, वो भी कितनी बार जा सकते हैं अपने बीआरपी कार्ड के साथ। तो इसमें किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर देना चाहता हूं कि जब आप यूके में कोई भी स्किल्ड वर्कर वीजा पे आता है तो 5 साल के बाद आप आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईएलआर होता है इनडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो आईएलआर का मतलब ये होता है कि अब आपको आपकी कोई जैसे अभी आपके बीआरपी में 2 साल का वो है, बट आईएलआर के बाद आप इस देश में कितने भी टाइम तक रह सकते हो, जॉब कर सकते हो। अगर आपके पास एम्प्लॉयर नहीं है तो भी आप जॉब कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितने भी टाइम यहाँ पे रह सकते हो। तो उसमें तो वो आईएलआर होता है 5 साल। तो अगर आपका प्लान है कि आपको आगे यूके में सेटल होना है 5 साल के, ये आईएलआर आपको किसी भी तरीके से आईएलआर आपको गेट करना है, तो आईएलआर की भी कुछ कंडीशन है कि आप पिछले 5 साल में, शायद 1 साल में उसकी कुछ कंडीशन है, बट 180 डेज ही देश से बाहर होने चाहिए। यूके से आप 180 डेज के लिए ही बाहर होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, तभी आप आईएलआर के लिए एलिजिबल होते हो। तो पूरी कंडीशन आप पढ़ लेना, बट ये एक सिनेरियो है आईएलआर का, तो ये पक्का ध्यान रखें आप जब भी आप बाकी आप ट्रैवल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके हाँ, और एक क्वेश्चन मेरे से ये पूछा है कि जब भी मैं बीआरपी कार्ड कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ तो क्या मेरे डिपेंडेंट्स का जो बीआरपी कार्ड है उसको कलेक्ट करने के लिए क्या डिपेंडेंट्स को होना वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। दोस्तों मोस्ट ऑफ द केस मैं सजेस्ट तो ये करूँगा कि अगर डिपेंडेंट आपके साथ है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको अपने साथ ले जाएं, बीआरपी कार्ड कलेक्ट करें। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि वो लोग आपके पासपोर्ट पे आपकी शक्ल पक्का देखते हैं और उसी बेस पे वो करते हैं। शायद बच्चों का शायद कुछ ऐसा है कि कुछ एज अ गार्जियन आप कलेक्ट कर सकते हो, उसका मुझे ज़्यादा श्योर नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम अगर आप कैपेबल हैं तो अपने डिपेंडेंट्स को पक्का लेके जाएं और वहाँ पे बीआरपी कलेक्ट उनसे करवाएं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो मतलब है इसमें कहीं ना कहीं ऐसा। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे से पूछा कि जैसे कुछ लोगों का स्किल ये इंटर कंपनी ट्रांसफर वीजा होता है जिसमें कोई एक कंपनी है इंडिया में उसको ट्रांसफर कर, सेम कंपनी में वो यूके में आ रहा है ओके, तो ये इंटर कंपनी ट्रांसफर का जो रूल होता है इसमें इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती। दोस्तों इसमें देखो लॉजिकली कोई इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट बनती नहीं है क्योंकि एक्चुअल में आप उस कंपनी पहले से काम करो और वही कंपनी आपको यूके में उसी कंपनी में जाके काम करना है, तो इसमें कोई इंग्लिश का कोई रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी उस कंपनी के एम्प्लॉई हो, ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ऑलरेडी उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की होती नहीं है। तो इसीलिए आपका जो इसमें जो आपका जो इंग्लिश का टेस्ट है वो आपका नहीं होता है, तो वो पक्का आप ध्यान रखें। ओके एक बंदे ने मुझसे ये पूछा है कि कितना मुझे कैश रखना चाहिए और क्या मुझे यूके आने के बाद कौन सा कार्ड बनवाना चाहिए, या यूके आने से पहले मैं अगर कार्ड ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो मैं कौन सा कार्ड ऐसा करूँ बनाऊँ जो यूके में भी काम आ जाए। ओके दोस्तों इसमें बहुत सारे वो हैं, सबसे पहले तो कैश की बात करते हैं। ओके तो आप कैश अब आपको जितना भी रखना रख लो, 100-200 मिनिमम आप रखो ताकि जो भी इमरजेंसी होगी 100-200 में काफ़ी अच्छा काम हो सकता है, आप खा पी सकते हो कुछ भी, जो भी इनिशियल काम है वो आराम से 100-200 में हो सकते हैं। तो 100-200 पाउंड तो आपके पास पॉकेट में इतना तो रखो। ओके 100 तो रखो।
दूसरा दूसरा आता है फॉरेस्ट गार्ड। तो जो लोग रेगुलर ट्रेवल करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो उनके लिए आपकी होम कंट्री ने ये फॉरेस्ट गार्ड का फॉरेक्स गार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें चार्जेस कम लगते हैं, आप इसमें करेंसी अपनी जो होम करेंसी में पैसे डालो वो उसकी आपकी जो बेस करेंसी है फॉरेस्ट गार्ड में उसमें कन्वर्ट हो जाती है और आप एज अ नॉर्मल कार्ड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो। तो ये सारे काम आप जो नॉर्मल कार्ड से कर सकते हो वो आप उससे भी कर सकते हो और काफ़ी नॉमिनल फीस होती है उसमें भी, और शायद फीस नहीं होती है, कुछ एटीएम्स में उनकी फीस होती है। तो वो पक्का वो तो फॉरेस्ट कार्ड एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें मिनिमम अमाउंट आप डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं करना है तो ओके, तो फॉरेस्ट कार्ड, क्योंकि फॉरेस्ट कार्ड का एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि आपको उसमें हर बार पैसे डालने पड़ते हैं, आपको नेट बैंकिंग से उठा के पैसे वहां डालने पड़ते हैं और वो भी करीबन एक दिन में अपडेट होते हैं। तो ये फॉरेस्ट कार्ड का एक ड्रॉबैक है ओके। बट आप ये समझो कि आपको यूके आना है और आपको हमेशा यूके और यूके आना है, यूके ही रहना है, तो फॉरेक्स कार्ड का एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए कोई फालतू का हेडेक की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कुछ कैश रखें, जैसे अब यहाँ पे आते हैं, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो रेवल्यूट का मैंने अकाउंट खुलवाया है, वो रेवल्यूट का अकाउंट इस वो मतलब काफ़ी अच्छा है, ऑनलाइन खुलता है, आपके इसमें आप ऐप डाउनलोड करोगे, डिटेल्स भरोगे, हाथों हाथ वो रेवल्यूट का अकाउंट आपका खुल जाएगा और वहाँ से आप अपने कार्ड को भी अपना ट्रांसफर क्या कहते हैं डिलीवरी कर सकते हो। तो कार्ड आपका 3-4 दिन में पहुंच जाएगा, कार्ड के चार्जेस हैं 4.99 कुछ हैं। उसके बाद आप इंडिया पैसे बहुत ही नॉमिनल चार्ज में पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो, शायद 1000 पाउंड तो फ्री भी है। तो रेवल्यूट का कार्ड काफ़ी अच्छा है और किसी भी कंट्रीज में भी वो आराम से यूज़ हो सकता है। प्लस उस कार्ड का यूज़ अगर आपको डिपेंडेंस के लिए जैसे फंड दिखाने के लिए स्टेटमेंट चाहिए होती है तो वो उस बैंक की जो रेवल्यूट की जो स्टेटमेंट है वो भी आपकी वहाँ पे काम आ जाती है। तो ये सारे काम रेवल्यूट की हेल्प से हो जाते हैं। तो मुझे काफ़ी ईजी फ्रेंडली लगा कि मतलब इमिडिएटली मैंने अपना अकाउंट खुलवा लिया पासवर्ड डिटेल्स डाल के। तो यहाँ पे आके आप रेवल्यूट कर लें और बाकी रेवल्यूट आपको वर्चुअल कार्ड्स भी देता है जो आप किसी भी मशीन में इजीली अपने फ़ोन से ही यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज वो आपको दूसरा आपको फिजिकल कार्ड भी आपको कहीं ना कहीं 3-4 दिन में प्रोवाइड कर देगा आपके ही रजिस्टर्ड एड्रेस पे। तो ये पक्का ध्यान रखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। बट इन सब के अलावा अगर आपके पास आपके आपकी होम कंट्री का किसी भी कंपनी किसी भी बैंक का आपके पास एटीएम है, वीज़ा मास्टर या जो भी है आपके पास, ठीक है, मेक श्योर दैट कि उसमें उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। थोड़े से ट्रांजैक्शन जो है एक्सचेंज रेट्स हैं उसके ट्रांजैक्शन के थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं, बट वो उतने ज़्यादा नहीं होते, तो उतने ज़्यादा नहीं होते। और आपको बस क्या करना है कि अपनी नेट बैंकिंग में जाके जो आपकी इंटरनेशनल लिमिट है उसको आपको बढ़ाना है, इंटरनेशनल लिमिट को आपको खोलना है ताकि वहाँ इनेबल कर दोगे और उसकी क्या लिमिट होगी उसको भी इनेबल कर दो। तो उससे क्या होगा, आप सेम कार्ड आप यूज़ कर सकते हो किसी भी एटीएम में, किसी भी जगह पे आप उसी कार्ड को भी यूज़ कर सकते हो जो आप अपने HDFC ICICI के जो डेबिट कार्ड यूज़ करते हो। मैं तो क्रेडिट कार्ड कब तक यूज़ करता रहा, तो इतना कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है चार्जेस में, बट आपको जो आपका मन आए वो आप यूज़ कर सकते हो। बट रेवल्यूट का एक सही ऑप्शन यही आता है कि यहीं का बैंक है तो उस हिसाब से आपको सारे काम हो जाते हैं। तो ये था ओके। एक लास्ट सवाल मेरे से अभी ये पूछा है तो मैंने कहा चलो इसको भी ऐड कर लेता हूँ इसी वीडियो में। तो उन्होंने ये पूछा है कि जब आप पासपोर्ट कलेक्शन करने के लिए जाते हो VFS में, क्या उस टाइम पे बच्चों को लेके जाना मैंडेटरी है या बच्चों के बिना भी काम हो सकता है? तो दोस्तों उसका कोई वो नहीं है, आप अपने बच्चे को घर में छोड़ के आ सकते हो। इवन मेरा ये पर्सनल खुद का केस है कि जब मेरी छोटी बच्ची थी तो मेरी वाइफ गई थी, तो मेरी वाइफ उसको छोड़ के गई थी और वो खुद कलेक्ट करके आए क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रहा था उस टाइम पे। तो मैं डर था तो कि उसको नहीं लेके जाएंगे क्योंकि कई बार काफ़ी रश होता है। बट देखें रश हमेशा कनाडा की लाइन में होता है, यूके की लाइन में उतना रश कभी होता नहीं है ओके। तो दोस्तों आपको क्या है, जब भी आप अपना बायोमेट्रिक देते हो, पासपोर्ट सबमिट करते हो, आपको VFS देता है स्लिप। आपको अगर आपको कंबाइन मिल जाएगी, अगर कंबाइन स्लिप मिल जाएगी, अगर आप अपने डिपेंडेंट के साथ अपना सबमिट कर रहे हो, आपको इंडिविजुअल मिल सकती है। तो जो स्लिप है वो पक्का ध्यान रखें, वो स्लिप लेके जाएं, अपने बच्चे की भी स्लिप लेके जाएं। वैसे तो आपके बच्चे की स्लिप आपके ही उसमें होगी, आपके स्लिप में उसका मेंशन होगा GWF नंबर। आप वहाँ पे जाएं, आप अपने वहाँ पे आप कलेक्ट कर लें पासपोर्ट, आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं बिना बच्चे को लेके जाए ओके। तो इतना आप काम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वेबसाइट लाइव है, क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन वहाँ पे पड़े हुए हैं, आंसर्स भी वहाँ पड़े हुए हैं, कमेंट्स पड़े हुए हैं,
नहीं नहीं उनसे डाउट क्लियर हो रहा है तो आप आस्क का क्वेश्चन करें। और इस चैनल से अगर कुछ भी आपकी हेल्प हो रही है तो अपनी स्टोरी शेयर करें, छोटे से छोटा पॉइंट, इवन एक पॉइंट भी अगर आप शेयर स्टोरी में लिख देंगे तो वो किसी ना किसी के काम आएगा ही आएगा, तो ये पक्का ध्यान रखें। प्लस इंस्टाग्राम पे मैं हूँ दोस्तों, सारे फ्रंट आपके लिए खुले हुए हैं। यूके वीजा को लेके कोई भी कन्फ्यूजन मन में रखना नहीं है, सब आप मुझसे पूछें। आई एम योर ड्रीम फॉरेन बडी। तो सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी आपको लगता है वो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।